हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज लॉकडाउन को कई दिन हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे दिन बाकी हैं, तो कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे। गवर्नमेंट के जो ने जो नियम बनाए हैं ये लॉकडाउन के, तो हमें इन सब का पालन करते चले जाना है, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है। तो हम सब घर में बैठे हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम भी करना है। तो आइए, चलिए आज के वीडियो में देखते हैं एक रिव्यू जो कि खादी ऑर्गेनिक फेशियल स्क्रब का है। ये बैम्बू चारकोल से बना हुआ है और मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तब ऑफ़र आ रहे थे और मैंने उसके रिव्यूज़ चेक किए। आप जब भी कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसके रिव्यूज़ ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। रिव्यूज़ चेक करने से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है। हालांकि कॉस्मेटिक्स के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ मुझे सूट करी है वही चीज़ आपको भी सूट करेगी, लेकिन फिर भी एक आइडिया हो जाता है कि ये ज़्यादातर लोगों को पसंद आ रही है तो हमें भी सूट कर सकती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये खादी ऑर्गेनिक का बैम्बू चारकोल फेशियल स्क्रब कितना फ़ायदेमंद है, इसकी क्या खासियत है और इसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये 350 रुपीज़ का है, पर ये ऑफ़र में मुझे सिर्फ 199 रुपीज़ में मिला था, तो ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है आपके बजट में। चलिए अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये बहुत सुंदर बॉटल में आया है जो कि ब्लैक कलर का है, और ये प्लास्टिक का बॉटल तो है पर ये रिसाइकेबल है, यानी कि ये हाइजीनिक है। और अब चलते हैं, देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे पूरा डायरेक्शन दिया हुआ है जो कि मैं आपको खुद के ऊपर करके बताऊँगी। इसके साथ साथ ये रिसाइकेबल है ये बॉटल, उसके साथ साथ ये नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, एनिमल पर टेस्टेड नहीं है और 100% वेजिटेबल से बना है, यानी कि ऑर्गेनिक है। साथ ही खादी के बारे में आपको पता है, ये जो प्रोडक्ट है ये हाथ हैंडमेड है और ये 100% ऑर्गेनिक होने के साथ साथ आप केमिकल फ्री है, तो ये आपकी स्किन पे अच्छा जाएगा। इसके साथ साथ इसमें मिला हुआ है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और लेमन ग्रास एक्सट्रैक्ट, बैम्बू चारकोल के साथ साथ ये दोनों ही इसमें मिक्स हैं। अब ये स्किन पे क्या काम करता है, तो ये आपकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपकी डलनेस को दूर करता है, पोर्स को ओपन करके अच्छी तरह से क्लियर करता है, जिससे कि आपके चेहरे पे एक चमक सी आ जाती है। ये आपकी स्किन के धूल डस्ट को साफ कर आपकी स्किन की डेड स्किन को भी निकालता है और बगैर स्किन को ड्राई किए आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, जिससे कि आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ, मॉइस्चराइज और सपल लगती है। हर तरह के स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, ये हर ऑल टाइप स्किन के लिए बनाई गई है, बट ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा। साथ ही ये आपके फेस के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को अच्छी तरह से रिमूव करती है। तो इसको यूज़ कैसे करना है ये हम आगे देखेंगे, इसके पहले हम इसको खोलते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक का जो रैप लगा हुआ है इसमें, इसको हम पहले ओपन करते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि इसके अंदर जो स्क्रब है वो किस कलर का है। हालांकि ये बैम्बू एक्टिवेटेड बैम्बू चारकोल स्क्रब है ये, तो हल्का सा ब्लैक कलर का होगा। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने ओपन किया है, थोड़ा सा खुला हुआ था पर कोई नहीं, इसमें पूरा है। तो इस तरह से ये देखिए कलर इसका हल्का सा ब्लैक है, ग्रेइश कलर है। और इसको हम अपने हाथों पे लगाकर पहले देखते हैं कि इसके जो स्क्रब के ग्रैनुल्स हैं वो हार्श हैं या माइल्ड। माइल्ड होते हैं तो फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये स्क्रब मैं यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी माइल्ड है, इसको हम फेस पे लगा कर अभी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे फेस को मैंने मेकअप रिमूवर से क्लीन किया है, एक टिश्यू पेपर में मेकअप रिमूवर लिया है मैंने और उससे अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। तो आप भी अपने फेस को स्क्रब को यूज़ करने से पहले अपने फेस को क्लीन कर लें, या तो आप फेस वॉश कर सकते हैं या क्लेंजिंग मिल्क से अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से साफ़ फेस पे ही ये स्क्रब को यूज़ करें। उसके बाद मैंने हॉट टॉवल दिया है, यानी कि गर्म पानी में तौलिया को भिगाकर मैंने पूरे फेस पे एक हल्का सा स्टीम दिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट स्टीम भी ले सकते हैं, पानी को गर्म कर लें और तौलिया कवर करके स्टीम ले लें। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रब मैंने लिया है और उसको फिर अपने फेस पे लगाना शुरू किया है। तो जब भी आप स्क्रब लगाएं आपका चेहरा गीला होना चाहिए, तो अगर आप स्टीम लेंगे तो भी आपका चेहरा गीला होगा, और अगर आप स्टीम नहीं ले रहे हैं तो आप फेस को क्लीन करके आएंगे तो आपने फेस को पोंछना नहीं है, उस गीले फेस पे ही लगाना है। और जब स्क्रब सूख जाए तो ये DIY टोनर मैंने जो बनाया था
उसको थोड़ा सा फेस पे स्प्रे कर लिया है और सर्कुलर मोशन में मैं इसको हाथों को राउंड राउंड करके फेस को क्लीन कर रही हूँ। आँखों पे स्क्रब नहीं करते हैं और ये हम 3 से 4 मिनट तक करेंगे बस, उसके बाद फिर हमने फेस को क्लीन कर लेना है। तो मैं यहाँ टॉवल से कर रही हूँ, आप चाहें तो फेस को पानी से भी वॉश कर, पानी से वॉश करने के बाद फिर उस पर टोनर स्प्रे कर लीजिए क्योंकि आपके पोर्स बंद हो जाएंगे, स्क्रब करने से जो पोर्स खुल गए थे वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद इस पर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, घर में भी हैं तो हल्के SPF का आप सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर के साथ लगा लें तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि सूरज की किरणें धीरे धीरे बहुत हार्श हो रही हैं और घरों के अंदर तक भी आ जाती हैं। और इस तरह से मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीक में इसको 2 दिन करें और रेगुलरिटी रहने से आपके चेहरे पर बहुत ग्लो नज़र। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।